हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं ओप्पो रेनो 4 ऐसी स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके प्राइस और स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं, तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको क्या इसमें आपको खास मिलने वाला है। तो दोस्तों इसके प्राइस स्पेसिफिकेशन लीक हो चुके हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो आपका डुअल पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिल जाएगा ऊपर लोअर लेफ्ट साइड में। और यहाँ पर बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो 6.43 इंच की सुपर एमोलेड फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर बात करते हैं इसके रियर पैनल की, तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर रियर पैनल पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो आपका स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल में होगा, जिसके अंदर आपका एलईडी फ्लैश भी लगा होगा। साथ में यहाँ पर बात करें इस कैमरा सेटअप की, तो दोस्तों रियर कैमरा सेटअप आपका 48 मेगापिक्सल का इसमें प्राइमरी सेंसर होगा, जो आपका सोनी IMX586 होगा। और इसके बाद दोस्तों 8 मेगापिक्सल का आपका अल्ट्रा वाइड लेंस होगा और 2 मेगापिक्सल का आपका अदर सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं इसके रैम की, तो दोस्तों यह 2 वेरिएंट में आने वाला है, एक 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और दूसरा 8GB रैम प्लस 256GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। और यहाँ पर बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो दोस्तों यहाँ पर बता दें आपको यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मीडियाटेक डायमेंसिटी का 720 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो आपका 5G प्रोसेसर होगा। आपको बता दें यह 5G फोन होने वाला है। और यहाँ पर बता दें आपको कि टाइप सी USB पोर्ट का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, 3.5mm का इसमें हेडफोन जैक यानी ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं इसके अदर स्पेसिफिकेशन की, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें यहाँ पर आपकी जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट होने वाली है 90Hz की होने वाली है। स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करें तो 2400x1080 का होने वाला है। और यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 409 की PPI यानी पिक्सल पर इंच होने वाला है। और यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इसके बैटरी की, तो 4300mAh की बैटरी मिलने वाली है, 65W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इसके एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर की, तो दोस्तों यह एंड्रॉयड 10 बेस्ड सॉफ्टवेयर पर रन करेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो दोस्तों यहाँ पर बता दें आपको इसका जो प्राइस होने वाला है वह 8GB प्लस 128GB का प्राइस होने वाला है 28,000 रुपये, और 8GB प्लस 256GB का प्राइस होने वाला है आपका 32,000 रुपये। तो दोस्तों यही स्पेसिफिकेशन पता चली थी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।